हमारे DGP को डाक से पत्र आया था और CD आई थी, जिसको देखकर उन्होंने तुरंत उसका संज्ञान लिया और CP पंचकुला को कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसमें होमगार्ड का जो जवान था उसके खिलाफ भी और जो SHO था उसको तुरंत लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन नियमानुसार ऐसे केसेस में सेक्शन 164 में कोर्ट के सामने बयान कराने ज़रूरी होते हैं, परंतु जब कोर्ट में बयान कराए गए तो वो जो महिला थी वो मुकर गई कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इसीलिए हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे और जो भी अगर इसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये भारत के इतिहास का स्वर्णिम दिन था, जिस दिन करोड़ों हिंदुस्तान के मूल निवासियों को हिंदुस्तान में नागरिकता ग्रहण करने का अधिकार मिला। और अगर हिंदुस्तान के मूल निवासियों को कहीं पर प्रताड़ित किया जाएगा तो वो हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो और कहाँ जाएंगे? उनका हक भी बनता है, उनका अधिकार भी बनता है। इसलिए सरकार को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि उन्होंने इस दिशा में सोचा और ये बिल पारित कराया। हमने एग्ज़ाम देने से किसी को नहीं रोका है, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो दें एग्ज़ाम। लेकिन वो इतनी जल्दी, अभी हमने शिफ्टिंग के आदेश कर दिए फाइल पर, परंतु अभी हमें जो मेडिकल काउंसिल है उससे परमिशन लेनी है, परमिशन लेने के बाद ही हम शिफ्टिंग का काम करेंगे। अब जितनी भी वैकेंसियां हैं उसको हम करेंगे, और वैसे भी हम रिव्यू करवा रहे हैं कि ये टोटल काफ़ी पुरानी ये स्ट्रेंथ जो है कैलकुलेट की हुई है, कि फ्रेश स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाए कि कितनी, क्योंकि अब कई चीज़ें बढ़ गई, साइबर क्राइम बढ़ गया और चीज़ें बढ़ गई हैं, तो उस हिसाब से इसको दोबारा करवाएंगे, बिल्कुल रिव्यू करवाएंगे। CID जो होता है किसी भी सरकार का आँख कान और नाक होता है, और इसलिए उसको चुस्त दुरुस्त रखना बहुत ज़रूरी है और उस पर हमारा विशेष ध्यान है। देखिए, जितने मेरे पास जो जो केस आ रहे हैं उन सब पर मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, और मेरे पास ऑन एन एवरेज रोज़ाना 500-600 कंप्लेंट्स आती हैं, और हर कंप्लेंट में जो जस्टिस डिलेड है वो किसके कारण से है उसकी मैं जांच कराने के लिए लिख रहा हूँ, और जिसकी वजह से डिले हुआ है, मेरे पास ऐसे भी लोग आ रहे हैं कि दो दो साल हो गए FIR दर्ज किए लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हुई, तो किसकी वजह से नहीं हुई, वो कौन दोषी हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करने के लिए भी मैंने आदेश जारी किए हैं। पीपल आर फ्री टू टेल मी, कोई भी आगे बता सकता, मैंने तो दिन फिक्स कर दिए, मैंने तो शनिवार इतवार अम्बाला कैंट में कोई मिलना चाहता है आके मिल सकता है, और मंगल और बुधवार को अगर कोई सेक्रेटरी में आगे मिलना चाहता मिल सकता है, अगर कोई भी बताएगा तो मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। नहीं, हमने उसके लिए ये कहा है कि सभी जगह पर जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो लगाए जाएं रोड्स में भी और वाहनों पर भी, और ताकि ये धुंध वगैरह से कोई नुकसान ना हो।